स्वागत है आपका एक बार फिर से एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो सीधी भर्ती 2000 से अधिक पदों की जो सीधी भर्ती निकाली गई है विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए, उनसे संबंधित आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज इसके इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें नवोदय विद्यालय की ये 2000 से अधिक पोस्ट जो विभिन्न विषयों के लिए निकाली गई है उसका अगर हम डिटेल देखें यहाँ पर, तो 12 पोस्ट यहाँ पर प्रिंसिपल की है। पीजीटी के लिए 397 की पोस्ट है सभी विषयों के लिए, 683 टीजीटी की पोस्ट है, इसमें भी पाँचों विषयों के लिए ये पोस्ट है। पीईटी जो है मेल और फीमेल दोनों की 52 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 53 पोस्ट है, आर्ट टीचर की 43 पोस्ट है, म्यूज़िक टीचर की 33 है, और स्पेशली थर्ड लैंग्वेज जो भारत की 22 भाषाएं हैं उसमें से लगभग 15 भाषाओं की वैकेंसी यहां पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाली गई है। तो भाषा शिक्षकों के लिए स्वर्णिम अवसर है और वो टोटल 343 पोस्ट है। तो ये सारी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, इसकी भर्ती निकल चुकी है, इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 22 जुलाई याद रखिए 22 जुलाई वो लास्ट डेट है जब तक आप ये नवोदय विद्यालय के समिति के ऑनलाइन फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से ये सारी डिटेल को देखिए और इस फॉर्म को फिल करके तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नवोदय विद्यालय समिति में प्रारंभ से ही कोई जो है सैलरी का कटआउट नहीं है, पूरी पूरी पेमेंट जो है आपकी जॉब लगने के साथ ही मिल जाती है और प्रोबेशन कंप्लीट जो है 2 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाता है और उसके बाद आपको देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में काम करने का मौका मिलेगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पर आपको शिक्षक बनने पर गर्व महसूस होगा, शिक्षक के कार्य करने पर आपको आनंद आएगा और वास्तव में शिक्षक की क्या भूमिका होती है वो यहाँ नवोदय विद्यालय में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर हम पोस्ट की बात करें तो डिटेल पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल की टोटल 12 पोस्ट है, उसमें से 7 जो है अनरिजर्व पोस्ट हैं जनरल कैटेगरीज के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट है, 3 जो है ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर की पोस्ट है, 1 एससी की पोस्ट है और एसटी की यहाँ पोस्ट नहीं है। ओएच कैटेगरी के लिए भी, फिजिकली हैंडीकेप दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। पीजीटी की बात करें तो सभी लगभग 11 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है और वैकेंसीज जो है सब्जेक्ट वाइज जो है 10 से लेकर 30-35 तक की वैकेंसी है, जिसमें बायो की जो है अनरिजर्व्ड में 18 है। टोटल जो है यहाँ पर 42 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की 55 वैकेंसी है, कॉमर्स की 29 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स की 83 है, फिर इंग्लिश की 37 है, ज्योग्राफी 41 है पीजीटी के लिए, हिंदी की 20 वैकेंसी है, हिस्ट्री की 23 वैकेंसी है और हिंदी में आप देख सकते हैं 2 जो है ईडब्ल्यूएस, सभी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। मैथ की 26 पोजीशंस हैं, फिजिक्स की 19 है और कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर 22 पोस्ट है। तो पीजीटी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है इन सारी पोस्ट के लिए, जहाँ आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें हम टीजीटी की, तो टीजीटी की भी बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पर। टीजीटी में भी थर्ड लैंग्वेज, चलो स्पेशली यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की पोस्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आसामीज लैंग्वेज की 66 पोस्ट यहाँ पर है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पर है नवोदय विद्यालय में। 66 जगह हैं जो है आसामीज़ लैंग्वेज के लिए है, 9 बोडो लैंग्वेज के लिए है, 8 गारो लैंग्वेज के लिए है। गुजराती भाषा में 40 वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 17 जो है जनरल कैटेगरी की है, 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, 10 ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर की है और 6 वैकेंसी एससी की, 3 वैकेंसी एसटी की है यहाँ पर देख सकते हैं। कन्नड़ की 8 वैकेंसी टोटल है, खासी भाषा की 9 वैकेंसी है, मलयालम की 11 है, मराठी भाषा में टोटल 26 वैकेंसी है, मीजो की 9 है, नेपाली भाषा की कुल 6 वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, उड़िया की 42 वैकेंसी है, ये बहुत ज़्यादा है, पंजाबी की फिर 32 वैकेंसी यहाँ पर है, तमिल भाषा की 2 ही वैकेंसी है, तेलुगु की 31 है और उर्दू भाषा में कुल 44, कुल मिलाकर 343 पोस्ट है थर्ड लैंग्वेज की नवोदय विद्यालय में। बहुत वर्षों बाद ये वैकेंसी निकली है और एक गोल्डन चांस है थर्ड लैंग्वेज टीचर्स के लिए अप्लाई करने का और इस शानदार जॉब को प्राप्त करने का। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी की पोस्ट है। टीजीटी 5 सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल स्टडीज सभी के लिए यहाँ पर मोर देन 100 पोस्ट है
जिसमें इंग्लिश के लिए 144 पोस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं 144 पोस्ट है, जिसमें 61 अनरिजर्वड है, 14 जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 38 ओबीसी की है, एससी की 21 है और एसटी की 10 पोस्ट है। तो बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पर इंग्लिश में है। हिंदी में भी देखें तो 61, 14, 39 का जो है सेम 147 पोस्ट हिंदी के लिए है। मैथ्स की पोस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, 167 पोस्ट है, जिसमें 69 अनरिजर्व है, 16 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 45 ओबीसी की है, 25 एससी और 12 यहाँ पर एसटी की है। और जो ओएच दिव्यांगजन है उनके लिए दो दो पोस्ट यहाँ पर ओएच और वीआई और उनके लिए है, तो ये भी पोस्ट ठीक है। साइंस में यहाँ पर 101 टोटल पोस्ट है, जिसमें 42 जो है अनरिजर्वड है, और एसएसटी में टोटल 124 पोस्ट है, जिसमें 52 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी, 12 जो है ईडब्ल्यूएस है, 33 ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और एससी की 18, एसटी की 19 है। तो इस प्रकार से टोटल 683 पोस्ट यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की भी है। और इसी टीजीटी ग्रेड में ही मिसेलेनियस टीचर्स जो आते हैं, क्रिएटिव टीचर्स जिन्हें हम कहते हैं, म्यूजिक आर्ट पीटी मेल फीमेल और लाइब्रेरियन की, ये पांच पोस्ट यहाँ पर भी है, जिसमें सभी में जो है अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। 33 पोस्ट म्यूजिक टीचर की है, जो कि अच्छी पोस्ट है, सभी कैटेगरीज में यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रही है। 16 3 है, 8 ओबीसी की, 4 एससी और 2 एसटी की पोस्ट है। आर्ट टीचर की 43 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है आर्ट टीचर की पोस्ट दिखाई दे रही है। 19 जो है जनरल कैटेगरी, 4 ईडब्ल्यूएस है, 11 ओबीसी की है, 6 एससी और 3 एसटी की है। तो इस प्रकार ये पोस्ट है। पीटी मेल पुरुष जो है, पीटी टीचर जो है वो यहाँ पर 31 है, और पीटी मेल की फीमेल की जो है 16 पोस्ट यहाँ पर कुल है, और लाइब्रेरियन की 53 पोस्ट है, सबसे अधिक पोस्ट इनमें जो है लाइब्रेरियन की दिखाई दे रही है। तो टोटल 181 पोस्ट जो है मिसेलेनियस टीचर्स की यहाँ पर है, और ये भी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 22 जुलाई इनकी भी लास्ट डेट है, 1800 रुपये जो है इनके लिए पीजीटी और 1500 रुपये टीजीटी की फ़ीस है अलग अलग कैटेगरीज में, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पे स्केल लेवल 12 जो है उसकी पोस्ट है, ये ग्रुप 1 पोस्ट है, और ये जो है इसका बेसिक जो है पे बैंड अगर हम देखें तो 78,800 से 2,09,200 रुपये के पे बैंड में ये आते हैं लेवल 12 की, बहुत ही रेपुटेड गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट के इक्विवेलेंट है। अपर एज लिमिटेड अगर हम बात करें तो 50 ईयर्स से अधिक जो है नहीं होना चाहिए, यानी 50 ईयर्स मैक्सिमम एज है जिस ये लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट के लिए जो है एक्सपीरियंस जो है एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एकेडमी के साथ। एकेडमिक में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो होना ज़रूरी है विथ बीएड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आप बीएड है तभी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस यहाँ मस्ट है, तो एक्सपीरियंस किस किस कैटेगरी के लोग जो एक्सपीरियंस के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल रैंक के सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी किसी में भी जो हैं वो लेवल 12 में अगर हैं तो वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो हैं तो उनके लिए अधिक अनुभव की आवश्यकता नहीं, वो अपने मतलब उस इक्विवेलेंट पोस्ट के है इसलिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो लेवल 10 की पोस्ट मानी जाती है, 56,100 से 1,70,500 की जो पेमेंट में आती है। तो इस पेमेंट के अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनको मिनिमम जो है 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें पीजीटी प्लस वाइस प्रिंसिपल दोनों का एक्सपीरियंस ये मांगा गया है, और वाइस प्रिंसिपल जो है मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है तो ही वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 5 साल पीजीटी हो सकता है, 2 साल वाइस प्रिंसिपल कंपलसरी है, ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा के भी कर सकते हैं लेकिन 2 ईयर्स मिनिमम वाइस प्रिंसिपल जो है एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा, सभी पीजीटी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी और लेक्चरर पोस्ट जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 8 में जो वर्क कर रहे हैं 47,600 से 1,51,000 का जो पेमेंट रखते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनको जो है रेगुलर 8 ईयर्स की पीजीटी की सर्विस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी 8 साल पीजीटी के अनुभव जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है एक्सपीरियंस में अगर हम देखें तो टीजीटी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी को जो है टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन उसमें से मिनिमम 3 ईयर्स जो है पीजीटी का होना रिक्वायर्ड है। यानी आपको 15 साल
जो है टोटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से 12 साल आपका टीजीटी हो सकता है और 3 साल आपको एज ए पीजीटी वर्क किया हुआ हो, तभी आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इशेंशियल शर्त है, टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, 12+3 का अनुभव है, पीजीटी रेगुलर 8 ईयर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल मिनिमम 2 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स पीजीटी सर्विस है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है एक्सपीरियंस बहुत इशेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ये जिन जिन को एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। लास्ट डेट 22 जुलाई इसकी भी है। फिर अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी की पोस्ट जो है लेवल 8 की पोस्ट मानी जाती है, 47,600 से 1,51,100 इसका ग्रेड है पे मैट्रिक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के। अपर एज लिमिट यहाँ पर डिसाइड की गई 40 ईयर्स की अपर एज लिमिट है, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर दिया गया है, तो आगे हम एज रिलैक्सेशन भी देखेंगे कि इस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन है। लेकिन पहले हम यहाँ बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन के। तो पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट जो है एमए एमकॉम एमएससी जो भी है वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एनसीईआरटी एनसीटीई से किया हुआ हो, और वो 50% से ज़्यादा जो है आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% एंड अबव आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी डिग्री जो है वो इसमें बीएड की डिग्री है, लेकिन अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड कर रखी है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, तो फिर अलग से बीएड डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, अन्यथा बीएड की डिग्री यहाँ पर पीजीटी के लिए भी कंपलसरी है। तो 50% मास्टर डिग्री यहाँ पर चाहिए, आपको बीएड की डिग्री चाहिए, और उसके साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको जो है पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, ये दो ही रिक्वायरमेंट यहाँ पर हैं पीजीटी के लिए, 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए। फिर बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी की अच्छा पहले पीजीटी की पोस्ट में किस सब्जेक्ट में किस में मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, तो इंग्लिश के लिए पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी होनी चाहिए। फिजिक्स में अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन चार में से किसी एक में भी अगर एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फिजिक्स है, दूसरा अप्लाइड फिजिक्स है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है, और चौथा न्यूक्लियर फिजिक्स है। चारों में एमएससी वाले लोग जो है पीजीटी फिजिक्स नवोदय विद्यालय समिति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में दो हैं, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, दोनों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स में एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर तीन जो है डिग्री दी गई है, इकोनॉमिक्स में एमए होनी चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो आप इकोनॉमिक्स पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री में एमए रिक्वायर्ड है, ज्योग्राफी में सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एमए जो है वो रिक्वायर्ड है। कॉमर्स अगर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये आपका मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, तभी आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी एमकॉम डिग्री है तो उसमें अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन तीनों में से एक मेजर सब्जेक्ट अगर रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम कर रखा है तो आप पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो कॉमर्स में जो है अकाउंटिंग मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट में एमएससी जो है वो हो सकती है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो और प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। यानी एमएससी आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर आपको पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी और जूलॉजी के ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो है किस सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट के लिए जो है आपको पीजी डिग्री होनी चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी का पे लेवल जो है 7 है, और 44,900 से लेकर 1,42,400 जो है इसका पे बैंड है, पे मैट्रिक्स में आता है। अपर एज लिमिट यहाँ पर डिसाइड की गई है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 वर्ष से अधिक उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रदान किए जाते हैं वो यहाँ पर भी दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट जो है
वो मिनिमम होना चाहिए, आप बीए बीकॉम बीएससी की डिग्री आपकी होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। एग्रीकल्ट और कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी साइंस में कर रहे हैं या टीजीटी सोशल साइंस में कर रहे हैं, तो आपका जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% प्लस टोटल एग्रीगेट भी 50% होना रिक्वायर्ड है। ऑनर्स की डिग्री है तो वहाँ पर भी आपका 50% जो है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, आपने 2 वर्ष तक जो है, 3 साल की डिग्री में मिनिमम 2 ईयर्स तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, ये भी रिक्वायर्ड है ऑनर्स डिग्री वालों के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। और अगर सिंपल बीए और ऐसी डिग्री, बैचलर डिग्री है आपकी, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो 3 वर्ष में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, ये जो है ज़रूरी है यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट के लिए। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, दैट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का एग्जाम आपने पास किया हो तभी आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपलसरी है, सीबीएसई का सीटेट टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बीएड डिग्री रिक्वायर्ड है, ये बीएड के बिना जो है नवोदय में टीचर्स नहीं बन सकते हैं। और कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज जो है वो भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3 जो है क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, बीए विथ 50% या जो ग्रेजुएशन है विथ 50% अबोव मार्क्स जो है होना चाहिए, आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट जो है आपके पास हो, तभी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट वाइज जो है किस सब्जेक्ट के लिए किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो जो है फर्दर डिटेल आगे दी गई है, आगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी एज रिलैक्सेशन की बात करें कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग में दिया गया है, तो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। ठीक है, यानी आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 40 इयर्स की अपर एज लिमिट दी गई है, तो आप 45 इयर्स की जो है वो एससी एसटी के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन यहां दिया गया, यानी 43 इयर्स की तक अप्लाई कर सकते हैं। एनवीएस एम्प्लॉई, अगर रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए कोई एज बार नहीं है, किसी भी एज के व्यक्ति जो है इन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। ठीक है, विमेन ऑल कैटेगरी के हैं, अगर वो पीजीटी टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 10 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1980 to 31/12/1989 के बीच में, जो अगर वहाँ के जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी यहाँ दिया गया है। और अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप 3 ईयर्स की रेगुलर सर्विस कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर जो है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तभी। ठीक है, सभी तरह के जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में हैं तो उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। एससी एसटी का अगर पर्सन है डिसेबल दिव्यांगजन तो उनको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 13 इयर्स का रिलैक्सेशन है और जनरल कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है समिति द्वारा, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिया गया है। तो ये सारे एज रिलैक्सेशन है, ये सारी रिक्वायरमेंट है, ये आप अपने दिमाग में रखिए और ये अगर आप पूरी करते हैं तो आप नवोदय विद्यालय समिति के फॉर्म को इजीली आसानी से भर पाएंगे और इस तरह से उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। याद रखिएगा, अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जुलाई है, तो उससे पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक।